एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर मिले हैं एक नई पेंटिंग्स के साथ। बहुत सारी इसमें मैं पेंटिंग्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। और इसके पहले भी फ्रेंड्स मैंने वीडियो डाल रखी है, तो मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखी है वो प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दो वीडियो मैंने पेंटिंग से रिलेटेड बना रखी है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी एग्ज़ाम होने में एक दिन बचा हुआ है। तो कोशिश करूंगी कि और पेंटिंग्स की मैं वीडियो लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इनकी जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की जो लिंक है उसको भी मैंने डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम पेंटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। द स्कूल ऑफ एथेंस, और इसे बनाया है किसने? राफेल ने। यह फर्स्ट पेंटिंग से, इस पेंटिंग का नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। स्कूल ऑफ एथेंस, और इसे बनाया है किसने? राफेल ने। इसका टाइम पीरियड है 1509 से 1511 ईस्वी। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि ये क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग है। इसके साइज़ की हम बात करें तो इसका साइज़ है 500x770 सेंटीमीटर। इसके अलावा इंच में है ये 200x300 इंच। और ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये एपोस्टेलिक पैलेस वेटिकन सिटी, इसको आप नोट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। नेक्स्ट पेंटिंग इस पेंटिंग का नाम है मिड समर, और इसे बनाया है अल्बर्ट जोसेफ मूर ने। अल्बर्ट जोसेफ मूर ने 1887 ईस्वी में इसे बनाया है। और ये एक हिस्ट्री पेंटिंग है, हिस्ट्री पेंटिंग जिसे इन्होंने बनाया है ऑयल ऑन कैनवास। इसकी साइज़ की हम बात करें तो इसका साइज़ है 155x160 सेंटीमीटर, और ये सुरक्षित है यूनाइटेड किंगडम में। इमेज को एकदम अच्छे से आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल क्लियर करके बता सकें कि जो ये पेंटिंग है इसका नाम है मिड समर। मिड समर मीन्स गर्मी के मध्य, और इसे बनाया है अल्बर्ट जोसेफ मूर ने 1887 में। और ये एक हिस्ट्री पेंटिंग है जिसे ऑयल ऑन कैनवास यानी कि कैनवास पर तेल माध्यम से बनाया गया, और इसका साइज़ है 155x160 सेंटीमीटर, और ये रखा गया यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट पेंटिंग ये आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये जो पेंटिंग है ये किसकी है? ये लियोनार्डो दा विंची की विट्रुवियन मैन है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में विंची की एक ये चित्र के बारे में पूछा गया कि क्वेश्चन देखे कि विट्रुवियन मैन किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। तो ये है विट्रुवियन मैन, इसे बनाया विंची ने 1490 ईस्वी में, और इसे इन्हें जो बनाया है इसका माध्यम है पेन ब्राउन इंक एंड वाटर कलर अवर मेटल पॉइंट ऑन पेपर। इसका साइज है 13.9.6 इंच,
हम सेंटीमीटर में भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 34.4 इंटू 24.5 सेंटीमीटर, और ये रखा गया है गैलरीज डेल एकेडमिया वेटिकन है, गैलरी डेल एकेडमिया वेनिस इटली, ये इटली में सुरक्षित है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था द गोल्डन रेशियो। द गोल्डन रेशियो जो आपका है ये डिवाइन प्रोपोर्शन के ही नाम से जाना जाता है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लियोनार्डो द विंची के जो ब्रिटोन मैन है वो किससे संबंधित है, तो द गोल्डन रेशियो से। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। ये पेंटिंग तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ये जो पेंटिंग है लियोनार्डो द विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है द लास्ट सपर, द लास्ट सपर। इसे बनाया विंची ने 1495 से 1498 ईस्वी। इसका माध्यम है टेम्परा ऑन गैसो। अगर हम इनके पूरे टेक्निक की बात करें तो इनका जो पूरा टेक्निक है वो है टेम्परा ऑन गैसो पिच एंड मैस्टिक। और इसका जो मूवमेंट है वो आप सभी लोग को मालूम है, हाई रेनासा। इसका साइज है 460 इंटू 880 सेंटीमीटर, इंच है 181 इंटू 346 इंच। फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, ये है एक हिस्ट्री पेंटिंग। इसके अलावा ये है एक क्रिश्चियन आर्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो लोकेशन है ये सुरक्षित है सांता मारिया डेले क्रेज, यानी कि गिरजाघर मिलान इटली। तो ये रहे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। फ्रेंड्स ये सारे पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ही पेंटिंग है, तो कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं है, कुछ अलग से पॉइंट्स नहीं है, सब वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, तो इनको आप ज़रूर देखते चलिए। नेक्स्ट पेंटिंग की हम बात करें। फ्रेंड्स इस पेंटिंग को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार ये डिस्कस करना चाहूँगी कि लियोनार्डो द विंची ने द लास्ट सपर को बनाया, इसके अलावा भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने द लास्ट सपर के चित्रों को बनाया है। तो मैं केवल उनके नाम डिस्कस करूँगी आपसे क्योंकि उनकी इमेजेस तो अभी पॉसिबल नहीं है दिखा पाना आपको, तो मैं उनके केवल नाम आपको बताते चलूँगी, उसको आप नोट करते चलिएगा। तो द लास्ट सपर की एक चित्र है जिसको बनाया टिंटोरेट्टो ने 1592 ईस्वी में बनाया है कैनवास पर तेल माध्यम से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो द लास्ट सपर अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया है 1523 ईस्वी में, और अल्बर्ट ड्यूरर ने इस पेंटिंग को किस पे बनाया है, वुडकट पे। फिर नेक्स्ट है द लास्ट सपर घिरलैंडियो ने बनाया है 1480 ईस्वी में फ्रेस्को में। इन सबको आप नोट करते चलिए क्योंकि इस पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं द लास्ट सपर को लेकर। और एक और लास्ट सपर की पेंटिंग हम डिस्कस करें तो उसको बनाया है एंड्रिया डेल कास्टेग्ना ने 1445 में, इसको भी उन्होंने फ्रेस्को में बनाया है। तो आई थिंक जितने लोगों ने भी पेंटिंग्स बनाई हैं द लास्ट सपर की फ्रेस्को में ही बनाया है। अल्बर्ट ड्यूरर ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने द लास्ट सपर की पेंटिंग को
वुड कट पे बनाया है, क्योंकि वो एक इंग्रेवर आर्टिस्ट माने गए हैं, जर्मन के एक वुड कट आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने उस पेंटिंग को किस पे बनाया है, वुड कट पे। नेक्स्ट पेंटिंग इस पेंटिंग का नाम है आ संडे आफ्टरनून ऑन द इसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जेट। इसे बनाया है जॉर्ज सोरा ने। जॉर्ज सोरा की ये पेंटिंग है जिसका टाइम पीरियड है 1884 से 1886। इसे इन्होंने कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया है। इसकी साइज की हम बात करें तो इसका साइज है 207.6 × 308 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंच में, तो इंच है ये 81.7 × 121.25 इंच। ये दोनों ही माध्यम यानी कि दोनों ही इनका साइज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइज में इंच में भी आपसे पूछा जा सकता है और सेंटीमीटर में भी। इसके अलावा इनका जो पीरियड है यानी कि किस पीरियड के हैं, तो ये सभी आप लोगों को मालूम ही होगा, ये हैं नियो इम्प्रेशनिज्म। और ये पेंटिंग संग्रहित है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। नेक्स्ट पेंटिंग इज ये स्कल्पचर है हेनरी मूर की। किसकी है? हेनरी मूर। इसको इन्होंने बनाया है 1957 से 58 ईस्वी में। और इसके स्कल्पचर की हम बात करें तो स्कल्पचर है ये ड्रेपेड रिक्लाइंगिंग वूमेन। और इसका जो माध्यम है वो है ब्रॉन्ज यानी कि कासा। पेंटिंग सुरक्षित है। जस्ट मिनट। टेट ब्रिटेन में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पेंटिंग इज द डेथ ऑफ मॉरेट। द डेथ ऑफ मॉरेट। इसे बनाया है जैक्विस लुइस दाविद ने 1793 ईस्वी में। और इसे इन्होंने ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया है। और ये शैली है नियो क्लासिज्म यानी कि नौशास्त्रीयतावाद। इसकी साइज की हम बात करें तो साइज है 162 × 128 सेंटीमीटर। इंच में है 64 × 50 इंच। ये आपका इंच में है। और ये सुरक्षित है रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बेल्जियम में। नेक्स्ट पेंटिंग है। नेक्स्ट स्कल्पचर को आप देख लीजिए, फिर इसको मैं जूम कर दूं। ये है द एटलस स्लेव। इसे बनाया है माइकल एंजिलो ने। ये है द एटलस स्लेव। माइकल एंजिलो ने इसे बनाया है 1525 ईस्वी से 1530 ईस्वी में। और इसे बनाने का जो माध्यम है वो है आपका मार्बल में संगमरमर। इसका साइज है 277 सेंटीमीटर। इंच में है 109
इंच, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लोकेशन है वो है गैलरीज डेल एकेडमिया फ्लोरेंस में। इसी के साथ एक और मूर्ति है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी माइकल एंजेलो ने ही बनाया है, लेकिन माइकल एंजेलो की जो ये मूर्ति है उसका नाम है द एवॉकनिंग स्लेव। माइकल एंजेलो ने इसे 1525 से 1530 ईस्वी के बीच में बनाया। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि द एटलस स्लेव और द एवॉकनिंग स्लेव दोनों ही इन्होंने किस पे बनाया है, 1525 से 1530 ईस्वी में बनाया है। और दोनों ही सिमिलर हैं, यानी कि मार्बल से ही दोनों को बनाया गया है। मार्बल, दोनों का माध्यम एक ही है। इसके साइज की हम बात करें तो इसका साइज है 267 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप देखिए 277 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप बिल्कुल ऐसे ही याद कर सकते हैं। और इसका जो इंच में है वो है 105 इंच, यानी कि एटलस स्लेव 109 इंच का है और आपका एवॉकनिंग स्लेव 105 इंच का है। तो ऐसे ही याद हो गया ये कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1525 से 1530 ईस्वी, एवॉकनिंग स्लेव का भी और एटलस स्लेव का भी। और इसे सेंटीमीटर में, यानी कि द एटलस स्लेव 277 सेंटीमीटर में बनाया गया और द एवॉकनिंग स्लेव को 267 सेंटीमीटर में। इंच की अगर हम बात करें तो द एटलस स्लेव 109 इंच का है और एवॉकनिंग स्लेव 105 इंच का है। दोनों का ही माध्यम सेम है। और इसके हम लोकेशन की बात कर लेते हैं तो इसका लोकेशन भी सेम है, ये भी गैलरिया डेल एकेडमिया फ्लोरेंस में ही रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मैंने तीन वीडियो आपके लिए मैं बनाकर जो आपसे मैंने शेयर किया, ये तीनों वीडियोस बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप मिस बिल्कुल ना करें। इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चले, ताकि जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिली वो वीडियो उनके पास पहुँच जाए, वो भी इस वीडियो को देख सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सके, उनकी एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी अच्छी हो सके। तो कोशिश करूँगी कि कल भी एक वीडियो लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, इसको आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।